नमस्कार दिन दुईटार अपडेट खबर सह आपको स्वागत करछु शक्ति बुलेटिन को ना कि प्रथम देखने कौन रही हेडलाइंस एणिक जड़े डाक्तर थिबा डाक्तरखाना निर्दिष्ट औषध जोगाइबे फार्मासिस्ट सरकारी नियम में संशोधन लागू है नुआ नियम फार्मासिस्ट माने 13 प्रकार रोग पाई दे पारिबे औषध अमेरिका गस्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कमला हारिस ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री साक्षात कार्यक्रम वर्षा सत्वे अमेरिका रे प्रवासी भारतीयों पक्षर जबरदस्त स्वागत भविष्य माओ मुकाबला नहीं गृहमंत्री गुरुत्वपूर्ण बैठक जोगदेवे 10 राज्यर मुख्यमंत्री और मुख्य शासन सचिव माओ प्रवण इलाकार भित्तिभूमि विकास मोबाइल टावर प्रसंग में होपे आलोचना 25 दिल्ली जापारती नवीन बंधा है बीजेडी नेता प्रणय साहू किए दे प्रणय को सुरक्षा थाना पशि महिला माड़ घटन कार्यानुष्ठान के निजक सुरक्षा देवाक पुलिस उपरे चाप पकाउथिबा अभियोग जगतसिंहपुर जिलापा बढ़ुची अड़ुआ चाषी को दुर्व्यवहार प्रतिवाद जिलापा संग्राम केशरी महापात्र बहिष्कार दावी चंदन टीपा लगाई अभिनव प्रतिवाद भुवनेश्वर सालिया साहि कंगारू कोर्ट अभियोग सालिया साहिर तीन महिला गिरफ्त कला नयापल्ली थाना पुलिस दुई नाबालक सर्वसाधारण आंठेवा और उठवसह 5000 फाइन करते अभियुक्त महिला एणिक जड़े डाक्तर थिबा डाक्तरखाना निर्दिष्ट औषध जोगाइबे फार्मासिस्ट सरकारी नियम में संशोधन हो लागू है नुआ नियम बहु पूर्व पंच व्याधि चिकित्सा रे फार्मासिस्ट मानक ट्रेनिंग दि जाइला जो डाक्तर नथिले सेठारे औषध सुपारिश करने फार्मासिस्ट मानक कहते गोटे रोगपाई दुईट औषध था एवं तीन टी औषध आसी ड्रग कंट्रोलर परामर्श नहीं ही संख्या बढ़ा जा स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र से आहरी डब्ल्यूएचओ कही सारी कोरोना खसुची जहाँ भल खबर है एबे भी सचेतन रहिबाकु पड़िबो लहरी केउठी कोन रहिला तहार किछि अर्थ नाही आम राज्यर स्थिति देखि तृतीय लहर कथा समीक्षा करिबा बोली कहिछन्ति स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर विजय महापात्र जते डिक्लाइनिंग ट्रेंड थाउ मोर पूर्ण भी समस्त अपील रहिबो डिपार्टमेंट आमर जेमिति सर्विलांस को वैक्सीनेशन जा करछु करू आमे आमर इनफ्रास्ट्रक्चर रेडी करछु जदि लोक माने इफेक्ट हेबे कि लोक माने निजर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर टाकु ठीक भाबरे करू ए संपर्क रे अधिक अपडेट पाए हम सहित जोड़ी होइछंती फोन लाइन आम प्रतिनिधि दिव्य ज्योति महांती दिव्य जो नुआ नियम टी अणागला जे फार्मासिस्ट माने भी एणिक औषध दे पारिबे यार कौन आवश्यकता थिला एवं यार कौन फायदा मिलिबो देखो शक्तिशाली निश्चित भाव गत काली राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्ष जो परिवर्तित गाइडलाइन जारी कराई जो कहा जिते डाक्तर मैंने अनुपस्थित थे कि जो डाक्तर सर्टेज रही से फार्मासीस्ट मैंने रोगी को मेडिसिन दे पारे और किसी निर्दिष्ट रोग किसी निर्दिष्ट लक्षण या रोग मेडिसिन देते से गाइडलाइन परिप्रकाश कराई जमीक आप देखिए चर्म रोग हो साधारण थंडा काश हो ज्वर हो झाड़ा बांती हूँ ये किसी कम लक्षण बा अति कम लक्षण थिबा जो रोगी मैंने आसुंती अति गुरुतर रोगी न होते से मेडिसिन दे पारे कहा किंतु यार भितर आ गोटे बड़ कथा लुचि रही सरकार जहाँ लुचेवाक चेषा करते जल जल हो स्पष्ट भाव में पदा को सामना को आसी राज्य में डाक्तर अभाव ये प्रसंग को सरकार जिते एड़े जावाक चेषा कले ये गोटे गाइडलाइन ये गोटे जो नुआ नियम सरकार आनी स्पष्ट बारी हो पड़ी जहां राज्य सरकार विधानसभा तथ्य रखी विधानसभा तथ्य अनुजाई राज्य में पाखापाखि 7000 डाक्तर पोस्ट डाक्तर फार्मासीस्ट हूँ बा पारामेडिकल स्टाफ हूँ ये सब पोस्ट फांका रही तो दृष्टि रखी कौन ना कौटी बर्तमान मेकअप करने रिकवर करने एक योजना कराई बर्तमान समय चर्चा होती अंपटे आप देखिए यार असुविधा कौन हम जो समय डाक्तर अनुपस्थित रहिबे से समय जब फार्मासीस्ट मेडिसिन देउछन्ती कोनोसी कारण जो फार्मासीस्ट जो काम रही काम क्यों ना कौटी व्याघात हे जहां फार्मासीस्ट एसोसिएशन कहला कथा जे तांकर जो कार्य रही डाक्तर कार्य करेंगे से व्याघात हे से चापग्रस्त हे
अन्यपटे डाक्तर नियुक्ति कहीं जितेबाद आम तृतीय लहर को सामना करने जाऊे तृतीय लहर पर प्रस्तुत होशा एभली परिस्थिति में कहीं डाक्तर नियुक्ति कराशार कहीं भित्तिमि को सुदृढ़ करा जहाक नहीं प्रश्न सृष्टि होती गोटेपटे मुख्यमंत्री विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड स्मार्ट कार्ड योजना आरंभ कर प्रति जिले में यह बंटन करोटि कोटि टा खर्च होतु डाक्तर पदवी किभ पूरण हम से सरकार एपर्त कौन आक्शन प्लां प्रस्तुत करना जितेबाद 2019 मसीह दायित्व नहीं स्वास्थ्य मंत्री नव दास से समय कही गोटे वर्ष भितर समस्त फांका डाक्तर पदवी पूरण किंतु गोटे वर्ष जाए पाखापाखि तीन वर्ष यार भितर है दायित्व नाक एपर्त पाखापाखि 7000 पोस्ट फांका अच्छी मेडिकल भित्तिमि क्षेत्र में पूरण करेपी विभिन्न समय विभिन्न प्रसंग सामना को आसी गंजाम जो सिक्यूरीटी गार्ड देखुले पेसेंट जो रोगी को देखुले तार चित्र भाइराल होता अनुगुल से जो सिक्यूरीटी गार्ड देखुवार भिजुआल भाइराल होता एभली चित्र सब आसा सरकार अंत पक्ष चेतवार आवश्यक रही किंतु ये जो चित्र आसा बहुत हुए सरकार भितर कि चेता पशी सरकार किसी ना डाक्तर ना फार्मासीस्ट मान को नियोजित करने गोटे निष्पत्ति ट्रेनिंग दि जाता वर्तमान समय नियोजित किंतु डाक्तर पदवी कि पूरण हो दिगे सरकार पदक्षेप नेबा दरकार विरोधी वर्तमान दावी कर धन्यवाद दिव्य सूचना दिव्यज्योति महांत प्रतिनिधि जो भाव में सूचना दौले कि सरकार डाक्तर पदवी खाली पड़ी ताकू पूरण नक फार्मासीस्ट द्वारा काम चलवापी नियम परिवर्तन करिसंती किंतु ए नियम भविष्य में रोगी असुविधा सृष्टि करी तो ये हूँ बड़ा प्रश्न परवर्ती खबर को जी तीन दिनिया गस्तर आमेरिकार पहुंची प्रधानमंत्री मोदी जो गस्त उपर केवल भारत कि आमेरिका नुहे सारा विश्वर नजर रही अमेरिका रे मोदी का क्रेज वाशिंगटन रे सुभिला मोदी मोदी प्रबल वर्षा सत्वे प्रधानमंत्री को देखा प्रवासी भारतीयों भिड़ पीएम मोदी स्वागत पाई सेठारे उपस्थित प्रवासी को धन्यवाद जनाइले मोदी कही प्रवासी भारतीय माने वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट बाहर त्रिरंगा धरी पीएम का स्वागत जो भाई ढंग से करते प्रधानमंत्री को प्रभावित करोना महामारी काल में यह हूँ प्रधानमंत्री प्रथम विदेश गस्त तीन दिनिया अमेरिका गस्तर जाइछंती प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिकार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ऑस्ट्रेलिया रा प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन साक्षात रही प्रधानमंत्री से पांच बड़ा कंपनी क्वालकॉम एडोब फर्स्ट सोलर जनरल एटोमिक्स और ब्लैकस्टोन कंपनी सीईओ आलोचना करेंगे instrumental in bringing US India ties much more stronger given the crisis the covid crisis and the uprising in Afghanistan and only he is the leader who can solve the situations in the world and we are proud that we are Indians and he's representing and here to see my beloved prime minister Mr. Modi we are so excited we don't mind staying in Oran We are just excited to see him and welcome him. Modi ji, we love you, Modi ji. We love you. We love you. Here of NCIA, we are here to welcome Modi ji with other community leaders, and we are going to cheer also his happy birthday. We are just waiting eagerly to arrive. So honored and proud to be here to welcome the Indian Prime Minister Narendra Modi ji. Cannot wait for stronger ties between the United States and India on the whole. As you know, we're going through this deadly pandemic right now, and Modi ji's arrival, I think, is going to usher in a lot of good things for India, so we can help with COVID. And welcome Modi ji, and we're waiting to see you. We are looking forward to him, his arrival, and his speech at UN. We are looking at what he's going to talk about, and he, since he had become Prime Minister. India had progressed last and Indo-American relationship had improved and that's what we want continue thank you in US our Indian American citizens are so elated and he has increased our pride to say that we are Indian Americans so thank you for Modi ji's leadership and being an American god bless America and god bless India thank you
कोरोना महामारी काल में यह हूँ प्रधानमंत्री प्रथम विदेश गस्त तीन दिन आमेरिका गस्तर जाइंट नरेंद्र मोदी आज आमेरिकार उपराष्ट्रपति कमला हारिस ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन साक्षात हो सेपरी पांच बड़ कंपानी क्वालकॉम एडोफर्स्ट सोलर जनरल एटोमिक्स ब्लैकस्टोन कंपानी सीईओ को सह मध्य आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री परवर्ती खबर को जीवा आसंता 26 माओ दमन प्रसंग में गृहमंत्री अमित शाह गुरुत्वपूर्ण बैठक रही है। बैठक में जोगदेवे 10 राज्यर मुख्यमंत्री मुख्य शासन सचिव और पुलिस महानिर्देशक ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ बिहार आंध्रप्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र भली 10 माओ उपद्रुत राज्यर प्रतिनिधि सहित प्रधानमंत्री बैठक हो। बैठक में माओ दमन लगी नि पदक्षेप तथा भविष्य योजना संपर्क में राज्यगुड़िक रिपोर्ट उपस्थापन करेंगे। माओ प्रवण राज्यगुड़िक प्रभावित जिलागुड़िक भित्तिभूमि विकास सड़क जोगाजोग मोबाइल टावर स्थापन भली प्रसंग उपर आलोचना हो पारे। बैठक में माओ दमन अभियान नहीं भविष्य रणनीति गृहमंत्री मुख्यमंत्री विचार विमर्श करेंगे। एथपाई आसंता 25 मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दिल्ली गस्त करते केबे बंधा हे बीजेडी नेता प्रणय साहू किए दे प्रणय को सुरक्षा किए से ही गडफादर थाना पशी महिला अश्लील भाषा गाड़गुलज सह माड़ घटन एवं सुधा प्रणय को गिरफ्त करना एपटे किंतु निजक सुरक्षा देवाई चाप पका प्रणय साहू और ब्लॉक अध्यक्षा बासंती पांडे समर्थक को लगाई गाइसिलड थाना अधिकारी घेरी धमक दे प्रणय को पुलिस गिरफ्त कले बीजेडी आंदोलन करिवार भय देखाई। गत 16 तारीख में गाइसिलट थाना भितर बीजेडी नेता प्रणय साहू और समर्थक माने महिला कांस्टेबल को अश्लील भाषा गाड़गुलज माड़ मारी एने प्रणय साहू समेत 15-20 जन विरुद्ध मामला रुजू हो। घटन जिला बीजेडी 2 जन तलिया कर्मचारी निलंबित करी ब्लॉक उपाध्यक्ष तथा बीजेडी नेता प्रणय साहू को दल सुरक्षा दे। घटना को 7 दिन बीतले प्रणय साहू को एजाए गिरफ्त करना पुलिस जगत सिंहपुर जिलापा दिनक दिन बढ़ुच्च अड़ुआ सब महल जिलापा संग्राम केसरी बहिष्कार दावी हो जिलापा विरोध में राजनेता मैंने विशुद्गार करुवा बेले आंदोलन को ओल्लाई साधारण जनता एरसमा ब्लॉक अंतर्गत आंदोलन गड़ ढिंकिया ठारे शह शह महिला पुरुष प्रतिवाद जनापड़ी। चंदन आलर्जी थिबा कलेक्टर को विरोध करी आंदोलनकारी मैंने चंदन टोपा लगाई अभिनव प्रतिवाद करने सह जिलापा बहिष्कार दावी करते एसत जिलापा कुशली कुशपुतलिका दाह कर जिलापा जनविरोधी कार्य करु राज्य सरकार सब जाशु कि कार्यानुषान जगत सिंहपुर जिले में प्रबल वर्षा फसल उजुड़ी जाता बेले आपत्ति करी को जिलापा दुर्व्यवहार करने चंदन टोपा लगवा को धमक देवास हिंदू सनातन धर्म विरोधी सरकार जगत सिंहपुर जिलापा को न हटाइले आंदोलन तीव्रतर हो चेतावनी दी जाए ना। गत दिन जो जिलापा चाषी की दुर्व्यवहार करते तारी प्रतिवाद समावेश हो महिला जो असम्मान करते गड़कुजंगे आ जो सनातन धर्म जो बलिया बाबा भक्त को कही चंदन टीपा तुम शीघ्र लिभाओ तारी प्रतिवाद सभा ना आम सब सनातन धर्म विश्वास करूँ तेना जो जिलापा स्वाधीन राष्ट्रीय जो राज कौन जो ये माने स्वाधीन भारत वंचार अधिकार अच्छे आम चंदन कौन सिंधु आम जहाँ इच्छा आम जहाँ लगे पार्बू तर जिलापा किसी क्षमता ना तो लिभापी आंदोलन कौन आम जिलार सर्वश्रेष्ठ मुरबी हेल्ले जिलापा तेणु जिलापा बर्तमान जो बर्षार बुड़ीवाड़ी कर क्षेत्र बुड़ जाइए चाषी मैंने जो हईरा हरकत होती जिलापा आसीवर जाणीक चाषी मैंने एकजुट होते जिलापा किसी दाबीपत देवाई जिलापा जो भाव भाव दुर्व्यवहार कले तेणु आम गुहारी क्या कति करूँ जिलापा जदि सर्वश्रेष्ठ हो सी जदि आम गुहारी न सुनले बाड़ जदि क्षेत्र खाइब आम आ गुहारी करूँ तेणु प्रतिवादरे बहिष्कार दाबी आज आम ये गोटा सिंदूर टीपा जो मुंडे एलर्जी होती सिंदूर आ चंदन लगेला बेलू से आम गोटे प्रतिवाद सभा आज ये करुँ आम आभिमुख्य बर्तमान आम चाषी मानक जो
बारंबार अपमानित करछंती आमे नारी माने जो बर्तमान बार समावेश करुचु से जो आईन की अवमानना बारंबार करुचंती कलेक्टर महाशय एवं आमे 2013 मसीहा ठारु जो आंदोलन करि आछु पर नारी मानको जो निर्यातना दे आसुचंती ता प्रतिवाद स्वरूप एवं चाषी मानक जो दुर्व्यवहार कर चंदन टीपा लगे जो दुर्व्यवहार कर प्रतिवाद स्वरूप आम ये समावेश कर आंदोलन करुच्छू एवं जो बर्तमान आमर 1991 मसीह आईन अनुजाई जन जिलापा जिले में रहा नियम ना कि सरकार आम प्रतिवाद कले सुधा सरकार ताक कर्णपात करूना तेनालीरुद्ध से जो आईन आम या जिला रे ना से आईन को बर्तमान आम पोड़ी आमर जिलापा यठू स्थानांतर करने दाबी करुचु। बंगोपसागर सृष्ट घूर्णिवलय वर्तमान से ही अवस्था रही कालीर घूर्णिवलय म्यांमार और संलग्न माटावान उपकूल सक्रिय हो रही है। उत्तर पश्चिम दिगक गति कर उत्तर पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर पहुंचा प्रभाव में 24 तारीख संध्या बेलू लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। दक्षिण ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशा 26, 27 और 28 तारीख में वर्षा होवार संभावना रही। अक्टोबर में बात्या एवं एकाधिक घूर्णिवलय सृष्टि होगा कथा को खंडन करते भारतीय पाणीपाग विभाग डीजी मृत्युंजय महापात्र। बंगोपसागर में मौसुमी वायु सक्रिय रही तेणु गोटे पर गोटे घूर्णिवलय सृष्टि होता से कहते। गत काली झारखंड उपरे थिबा लघुचाप क्षेत्र टी पश्चिम उत्तर पश्चिम दु गति करके दुर्बल हो जाइछि तेणु यार प्रभाव में आज ओडिशा उपरे विशेष वर्षा हबार कौन से कारण ना किंतु उत्तर छत्तीसगढ़ यार प्रभाव में आज अधिकांश जगार वर्षा हो पारे एवं गोटे दुईट जगार प्रबल वर्षा हबार संभावना रही। काली ठारु एही घूर्णी बलयर कौन से प्रभाव पड़ा ना किंतु म्यांमार एवं यार निकटस्थ पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर में गत काली जो घूर्णिवलयटी सृष्टि होता आज से ही स्थान में ही केन्द्रीभूत अच्छी। यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिग गति करके पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर एवं यार निकटस्थ उत्तर बंगोपसागर को 25 तारीख में आसी केन्द्रीभूत हो गोटे लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो पाए यह गोटे लघुचाप क्षेत्र हिसाब से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग गति ओडिशा उपकूल आड़ को मुहाइब तेणु उपकूल ओडिशा रे 26 तारीख पाखर यही घूर्णिवलय एवं लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में वर्षा आरंभ हो 26 तारीख 27 तारीख रे अधिक वर्षा हो 28 तारीख रे आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षा हो धीरे धीरे उपकूल ओडिशा रे वर्षा कमिबो। उत्तर ओडिशा रे बन्या परिस्थिति रे जल संपद विभाग सतर्क अच्छी। संपृक्त स्थान रे इंजीनियर माने अछंती घाई उपरे नजर रखा जाई जलका जो तलमुंड 4टी घाई सृष्टि होई पानी कमिला मरामती कार्य आरंभ हो बोली जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री धीरेन सावल। समस्त उपकरण महजूद रही उपर मुंडरे वर्षा अल्प अल्प हो मात्र वर्तमान राजघाट सुवर्णरेखा विपद संकेत तले रही संध्या सुधा विपद संकेत पर्यंत छुई पारे तथापि सेमती किसी असुविधा होवार नहीं। महानदी अवबाहिकार वर्तमान सेपर किसी समस्या ना हीराकुद्र गेट गुड़िक नियमित नियम मुताबक खोल जाऊँ जलस्तर को देख इंजीनियर मैंने गाइडलाइन मुताबक गेट खोलुंट और बंद करबी 3 रु 4 घंटा भितर गेट खोल जा बंद कर जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री धीरेन सावल। आमर देखु उत्तर ओडिशा रे जो वर्षा होता से वर्षापी जो बन्या आसी पर्टिकुलरली जलकारे एवं मथानी पाखरे जो घाई हो जलकार जो पानी माड़ी राजगोविंदपुर ब्लक रे आमर 4टी जगार घाई हो काठी से पानी एवं भी चली कि आम अफिस चीफ इंजीनियर ठूँ आरंभ कर जूनियर इंजीनियर पर्यंत समस्त अफिसर मैंने सजग अच्छा समस्ते मानने से सैट्रे अच्छा परिस्थिति को अनुधान करलस्तर कमीगला आमर जो बन्या जो जो ब्रिज है से ब्रिज को घाई को रोकवापी टेम्पोरारी रोकवापी जहा जहाँ साधन दरकार जथा बाउंश बल्ला बालीबस्ता ये सब धरिक आम पूरा प्रस्तुत अच्छु आम केवल अपेक्षा करलस्तर कमीगले यही आमर रेस्टोरेसन कम जो
ଘାଇ ନିର୍ମାଣ କାମ ଘାଇ ମରାମତି କାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ, ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ପରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ଅଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଆମେ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକୁ ଦେଖୁଛୁ, 24-25 ତାରିଖରେ କିଛି କିଛି ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜଘାଟରେ ଆମେ ବିପଦ ସଙ୍କେତର ତଳେ ଅଛୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଯୁଜୁମରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ 5 ଗିରଫ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ବତୁଲା ଗଙ୍ଗାଧର। ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି 3 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସଂଖ୍ୟା 5ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ତରଣୀ ପ୍ରଧାନ। ଘରେ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଓ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଯୁଜୁମରା ପୁଲିସ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବାସୁପାଲରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ତୋ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଏଥିରେ ତାରିଣୀ ପ୍ରଧାନ। ତାରିଣୀ ପ୍ରଧାନ ବାସୁପାଲି ଗାଁର, ତାଙ୍କର ବାପା ଏଠା କରୁଥିଲା। 2011 ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ତା ବାପା ପରେ ଇଏ ପିକଅପ୍ କରିଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ, ରେଡ୍ କଲା ପରେ ତା ଘରେ ସବୁ କଟର ବ୍ୟାରେଲ୍ସ, ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟାରେଲ୍ସ, ୱେଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍, ଅଦର ଫିଟିଂ ମେସିନ୍ ସେଠି ମିଳିଲା। ସେମାନେ କନଫେସ୍ କଲେ, ସେମାନେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲେ କାହା କାହାକୁ ବିକିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଖବର ଉପରେ, କନଫେସନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ରେଡ୍ କଲୁ ଆଉ ଗତକାଲି 4 ରାଇଫଲ୍ ଆମେ ସିଜ୍ କଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ସୋ କୁ ଗାଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ହିରୋ ଗାଁରେ, ଗୁଡ଼ାପାଲ ଗାଁରେ, ବାସୁପାଲି ଗାଁରେ, ସବୁ ମିଶାଇକିରି 4 ୱେପନ୍ ଆମେ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବେସିକାଲି ଇଏ ବନ୍ଧୁକ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ପୋଚର ମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫର୍ ପୋଚିଂ, ଆଣ୍ଡ ନା ଧରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ହାତୀ ଆସିଲେ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡକୁ ଚାଷୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ବେସିକାଲି ଦେ ଆର୍ ୟୁଜିଂ ଇଟ୍ ଫର୍ ପୋଚିଂ। ସେଇଟା ମାଓ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ ତ ସେଠି କିଛି ମାଓବାଦୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଆଲର୍ଟ ରହୁଛୁ। ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ମା ଓ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ହତ୍ୟା ପଛରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗାଁର ଏକ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାର 4 ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦିଅରଙ୍କର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଓ ତା ପଛରେ କିଏ ତାହା ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। କି ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଛି ସେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ପଛରେ ଯେଉଁ କୂଅ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୌଣସି ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡିଟି ଭାସୁଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଇ ଆଙ୍ଗଲ୍ରୁ ଆମେ ତା ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ରଖୁଛୁ, ତାର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ରଖୁଛୁ, ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଲକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ। ସବୁ ଜାଗା ଟଚ୍ କଲା ପରେ କନକ୍ଲୁସିଭ ପ୍ରୁଫ୍ଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ତୁଳସୀ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କିର୍ମିତି ଓ ଚାନ୍ଦିମେଟା ଗାଁ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି। ଗତ 21 ତାରିଖରୁ ଜାରି ରହିଛି ଅପରେସନ୍। DVF ଓ SOG ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ବିଙ୍ଗ ଜାରି ଥିବାବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଏହି ଯବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମାଓବାଦୀମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମାଲକାନଗିରି SP ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁଳସୀ ପାହାଡ଼ରେ ମାଓ ନେତା ସୁରାନାକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଟିମ୍ ସେ ଏରିଆରେ ସର୍ଚିଂ କରୁଥିଲା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଏରିଆରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମାଓବାଦୀ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେଇଛି। 4 .303 ଯେ ବୋଲ୍ ଆମ୍ବିନେସନ୍, ଗୋଟେ SLR କାର୍ଟେଜ୍ ଆଉ 4 ମାଓବାଦୀ ଡ୍ରେସ୍, କିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଆଉ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେଇଛି ସେଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏ ଟିମ୍ ଯେ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଲିଡର ସୁରେଶ ଉର୍ଫ ସୁରାଣା, ଯିଏକି SGDCM ରେଙ୍କରେ କମାଣ୍ଡର ଅଛି ଆଉ ସେ ମିଲିଟାରୀ ପ୍ଲାଟୁନ୍ର କମାଣ୍ଡର ଅଛି,
से नरोली एस्केप करा हेछि से उपरे से एक्सचेंज ऑफ फायर पर से एरियार आ कॉम्बिंग आ सर्च ऑपरेशन जोरदार करा हेछि। समय छ बुलेटिन ने वर्तमान पर खबर को एट रखबा। नमस्कार।